जिस दिन हमारा वक्त आएगा ना, उस दिन देखना आप भी किसी तरह हमारे सामने खड़े होंगे, उन लोगों को बख्श देने की गुहार लगाएंगे। तू हमारा इकलौता बेटा है, तुमको हर बला से बचा कर रखना चाहते हैं। जब से शादी हुआ है तब से तुम्हारी जान को खतरा है। ये बहू अपने साथ सीबत का पिटारा लेकर आई है। आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट, आप पे धोखाधड़ी और साजिश रचने का इल्जाम है। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। ये क्या बकवास है? कोई भी ऐरा गैरा आपसे कुछ भी कहेगा और आप मुंह उठा के ललिता निवास में आ जाएंगे। आपके खिलाफ कंप्लेन शालू मिश्रा और विशेष पांडे ने दर्ज कराई। उनका कहना है कि आपने उनकी कंपनी को बदनाम करने की कोशिश की है, इसलिए आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। ये हमारे खिलाफ बेबुनियाद इल्जाम है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हम हमारे लॉयर से बात कर सकते? श्योर। ये लीजिए, आ गए हमारे वकील साहब, आप ही का इंतजार था, आइए। सॉरी मैडम जी, हमें आने में थोड़ी देरी हो गई। ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब, ये है हमारी एंटीसिपेटरी बेल। अगर आपको तसल्ली हो गई हो तो यहां से चलते बनिए। और हाँ, और एक बात, जिनके कहने पर आप इतनी दूर तक चल के आए ना, उन्हें बता दीजिए कि उनकी चाल नाकामयाब रही और कुछ ही देर में हमारे लकी विक्की जेल से बाहर होंगे। चाहिए चलो। वाह वकील साहब, आपकी टाइमिंग कमाल है। ये बताइए कि लकी विकी को कब तक बाहर निकालेंगे? मैम, उन पर अटेम्प्ट मर्डर का केस बना है और सारे सबूत उनके खिलाफ हैं, इसलिए जरा मुश्किल हो रही है। आपकी मुश्किल और ना सुनने के लिए हमने आपको नहीं बुलाया है। जो बनता है वो कीजिए, हम पैसा पानी की तरह बहाएंगे, बस मेरे लकी विकी जेल से बाहर चाहिए। समझ में आया? देखिए, हम कुछ जुगाड़ बनाते हैं, अभी मुझे निकलना होगा। चाहिए। बाबा गो लाली, एक बाजी जीतने के बाद इन लोग का मन बहुत बढ़ता जा रहा है। तुम ऐसा कुछ करो लाली कि सब तुम्हारा हाथ के नीचे आए। इस बार हाथ के नीचे नहीं मामा, इस बार जूती के नीचे। एक बार हमारे लकी विकी जेल से वापस आ जाए, फिर देखना उस रंजो को उसकी एक एक बेटियों के लिए खून के आंसू नहीं रुलाए ना, तो हमारा नाम ही ललिता मिश्रा नहीं।